हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अच्छा कंटेंट हो तो वो फुल प्रूफ हो जाता है, वो ओटीटी प्रूफ हो जाता है, वो कोरोना प्रूफ हो जाता है। उनको लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है इस तरीके की मूवी का कि वो हर चीज़ को डिफाई कर देते हैं। कोई लॉजिक नहीं लगता उसके बाद, सिर्फ प्यार मिलता है। और ऐसा ही एक लॉजिक हमें देखने को मिला है पुष्पा के साथ। और पुष्पा में ये एग्जाम्पल सेट हुआ है कि इवन आफ्टर द रिलीज ऑन ओटीटी चैनल, मूवी इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। हर रोज़ एक डेढ़ करोड़ वो ऐड करते जा रही थी हिंदी सेक्टर के अंदर। और एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ अब आई है वो ये है कि इसने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और ओवरऑल बेसिस पे सारी लैंग्वेजेस को मिला के इसने 335 करोड़ का बिजनेस कर लिया वर्ल्ड वाइड। जब ये नंबर मुझे देखने को मिले, अलग अलग वेबसाइट्स ने इसको रिपोर्ट किया, तो मुझे लगा यार अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है और अगर आपका स्टार पावर इतना ज़्यादा है तो वो कोरोना प्रूफ हो जाता है। वो आप कोरोना नो कोरोना लोग जाके थिएटर्स में टूटे पड़ते हैं, ओटीटी प्रूफ हो जाता है। चाहे वो ओटीटी पर फ्री में रिलीज़ हुई हो, चाहे वो लीक हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी अपने स्टार का जो मज़ा है बड़े पर्दे के ऊपर लोग देखने के लिए टूटे पड़ते हैं। तो मज़ेदार है यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आज के टाइम के अंदर जहाँ पर बॉलीवुड के अंदर ऐसी मूवीज़ आ रही हैं बड़े बड़े स्टार्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंतिम, वो सिर्फ 35 करोड़ कर पाई, 12-13 करोड़ कर पाई सिर्फ सत्यमेव जयते 2। वहाँ पर पुष्पा कंटेंट अच्छा था, स्टार पावर अच्छी थी, जो मार्केटिंग हुई जिस तरीके से, स्पेसिफिकली साउथ की लैंग्वेजेस के अंदर जिस तरीके से स्टार का ओरा बनाया गया, इतनी एंटिसिपेशन बन गई कि इवन हिंदी ऑडियंस भी उसके ऊपर टूट पड़ी। तो बहुत मज़ेदार है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज ने भी हेल्प करा है इसके अंदर। तो ज़बरदस्त एग्जाम्पल है यार बॉलीवुड के लिए भी कि किस तरीके से अपने मूवीज़ को स्लेट करना चाहिए, कैसे रिलीज स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, कैसे म्यूज़िक को रिलीज़ करना चाहिए, फिर स्टार को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जिसकी वजह से 100 करोड़ पुष्पा यहाँ पर ओवरऑल बेसिस पे 335 करोड़ के आसपास कर गई है। तो वेरी बिग अचीवमेंट, गुड जॉब डन। सब लोग जो भी अल्लू अर्जुन के फैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अब वो वेट कर रहे हैं अल्ला वेंकटापुरमोलू की, जो कि आपको ढिंचाक चैनल पर देखने को मिलेगी। और मैं जल्दी एक और वीडियो के साथ लेके आऊंगा कि ढिंचाक टीवी को आपको मोबाइल पे देखने की सहूलियत कैसे मिल सकती है।